ऐसे नौजवानों को संगठन में हम पूरा एकजुट करना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं। ऐसे तो मास पार्टी है, नौजवान हमारे पीछे पागल है, हर वर्ग के दीवाने हैं तेजस्वी यादव जी के पीछे, राष्ट्रीय जनता दल के पीछे। लेकिन हाईटेक जमाना आ गया है और हर तरीके से हम लड़ाई को अंजाम देना चाहते हैं, तो ऐसे नौजवानों को चिन्हित करके किसी भी आंदोलन में, संगठन में ऐसे नौजवानों को हम चिन्हित करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं, कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो, एक घंटे के अंदर, जैसे पटना महानगर का कमेटी है, 72 वार्ड है, तो हमारी कमेटी वार्ड स्तर पर ऐसी हो कि एक मैसेज पर एक घंटे के अंदर में हर वार्ड से 5 नौजवान आ जाए। अब 72 × 5 कर दीजिए तो कितने नौजवान हो जाते हैं। तो एक बार हम तो इस सरकार को हिलाने के लिए काफी हैं। जिस समय हम 500,000 नौजवान किसी भी इशू पर सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार को तो हम बता देंगे हर सवाल पे। मतलब कि आरजेडी अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे जोर दे दिया। जोर नहीं, वो तो है ही, स्वतः है ही, और इसको जो है अग्रसर और धारदार बनाने के लिए हम काम कर, हर स्तर पे। ऐसा नहीं सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के सहारे ही, आपको पता होगा बगैर स्वतः आदरणीय नेता का फॉलोवर हमारे तेजस्वी यादव जी का आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कितना फैन है, आप देखते होंगे हर उनके गतिविधि को जिस तरीके से नौजवान फॉलो कर रहे हैं, उस बात को जन जन तक जो है कि पहुंचा रहे हैं। तो आज मीडिया की जो भेदभाव की नीति है, जिस तरीके से सरकार के दबाव में बहुत कुछ मीडिया कर्मी ऐसे हैं, अखबार के लोग हैं, कुछ ही हैं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद जिस तरीके से हमारे नेता के बातों को हम लोग पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और इस चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित, अति पिछड़ा और अकलियत, जो वंचित समाज के लोग आज भी तो बहुत है ना, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है ना, उन्हें हर तरीके से हम लोग लैस करेंगे ना, और हमारी लड़ाई धारदार होगी गांव, खेत, कस्बों में, हर जगह।